गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम का जो मकसद है ये बैक टू बैक सीरीज है और इस प्रोग्राम का जो बेसिक मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देना, इस डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय को कैसे करना है, कैसे इसे समझना है, कैसे इसकी शुरुआत होनी चाहिए जिससे कि हम शुरुआती दिनों में जो गलतियां करते हैं वो ना करें और कम समय में अच्छे तरीके से प्रभावी ढंग से काम करते हुए जो हमने सपने देखे हैं इस व्यवसाय को लेके, इस व्यवसाय में जो सपने लेकर आए हैं उन सपनों को हम जल्द से जल्द पूरा कर सकें। किसी ने सपना देखा है कि मेरे पास एक बड़ा मकान होगा, किसी ने सपना देखा है कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होगी, किसी ने सपना देखा है कि मुझे अपने घर में अपनी बच्चियों की शादी करनी है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए होगा, लेविस की शादी करूंगा, बेटे की शादी करनी है उसके लिए मुझे पैसा चाहिए होगा, या किसी ने सपना देखा कि मुझे खेत खरीदने हैं, किसी ने सपना देखा होगा कि मुझे मुझे देश विदेश की यात्राएं करनी है, किसी ने सपना देखा होगा कि मुझे अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा में भेजना है, किसी ने सपना देखा होगा कि मुझे अपने घर में परिवार में सबके लिए अच्छे कपड़े अच्छे गहने खरीदने हैं देने हैं। तो ये कई तरीके के हमारे सपने होते हैं, छोटे छोटे सपने होते हैं, किसी का होटल में जाके खाना खाने का सपना होता है, किसी का अपने सभी रिश्तेदारों से जाके मिलने का सपना होता है, ये छोटे छोटे सपने होते हैं और ये सपने हम देखते हैं। लेकिन कभी कभी इन सपनों को हम पूरा करने के जब प्रयास करते हैं तो एक समस्या, एक अभाव हमारे सामने आ जाता है, एक कहावत हमारे सामने आ जाती है कि जैसे कि पैसा, और जब पैसा की तंगी, और तो फिर कहावत सामने आती है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, यानी जितनी इनकम हो उतने ही खर्चे करने चाहिए। लेकिन मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूं। अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं तो आपको अपनी इनकम को बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए, ना कि खर्चों में कटौती करनी चाहिए, ना कि अपने मंथली बजट में, अपने दूध में और अपनी चाय में, या फिर क्या कहते हैं अपने साबुन में, तेल में, इन सब में कटौती नहीं करनी चाहिए। बच्चा देखो, अभी तो स्कूल जाने का वक्त नहीं है, फिर भी अब स्कूल शुरू हो चुके हैं, बच्चों को वैन में भेजते थे, तो अब क्या कहें, बच्चा पैदल चले जाएगा, साइकिल पर चले जाएगा, ये कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए लाइफ के अंदर। कंप्रोमाइज की जगह आपको और सोचना चाहिए कि मैं अपने जो काम को कर रहा हूँ उस काम से मेरे को जो इनकम आ रही है उसमें इनकम बढ़ सकती है, अगर नहीं बढ़ सकती है तो आपको अल्टरनेटिव इनकम की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम है आपको आपकी अल्टरनेटिव इनकम, आपको अतिरिक्त आय देने का एक बेहतरीन माध्यम है बिना किसी काम को छोड़े। आप मैं देख रहा हूँ आज बहुत सारी माताएं बहनें हमें देख रही हैं यहाँ पे, तो आप अपने घर में बैठे भी इस व्यवसाय को कर सकते हैं और यकीन मानिए 70% से अधिक महिलाएं इस व्यवसाय में जुड़ी हुई हैं और इस व्यवसाय में कामयाब हैं पुरुषों की अपेक्षा। तो आप एक घर बैठे इस व्यवसाय को कर सकते हैं। तो जैसा जनरल बोलते हैं ना, करना क्या है, आपको अपने जो घर के अंदर आपके जो उत्पाद रखे हैं घर के अंदर, जैसे कि तेल हो गया, साबुन हो गया, राइट, आपका पीने के लिए आपका क्या कहते हैं हेल्थ ड्रिंक हो गया, उसकी जगह आपने क्या करना है, डीएक्सएम के प्रोडक्ट को ले आना है,
उसको रिप्लेस कर देना है बस। जो आप परचून की दुकान से खरीदते हैं उसको आप डीएक्सएन के सर्विस सेंटर से खरीद के लेकर आए और अपने आईडी पे खरीद के लेकर आए, यहीं से इसी तरीके से आपकी शुरुआत होगी। इसी तरीके से 10 घरों में भी अगर आप डीएक्सएन के प्रोडक्ट उनके पुराने प्रोडक्ट से चेंज करवा देंगे, मतलब कि जो किसी दूसरी कंपनी का यूज करते हैं वो डीएक्सएन का यूज करने लगेंगे, आपका इनकम यहीं से शुरू हो जाएगा। और जो यूज करेंगे उनको भी इनकम मिलेगा, और जो यूज करवाने के लिए प्रेरित करेंगे उनको भी इनकम मिलेगा। इसी तरीके से बहुत सिंपल बिजनेस है, इसको घर बैठे भी किया जा सकता है, फोन के माध्यम से किया जा सकता है, बहुत ही साफ सुथरा बिजनेस है ये। तो इसी श्रेणी में इस बिजनेस की शुरुआत कैसे की जाए, शुरुआती दिनों में कुछ दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने के बाद सोचते हैं कि 8-10 लोगों से, 20 लोगों से, 50 लोगों से जाके वो बात करते हैं। बात करने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे मैक्सिमम 50 से 50 उन्हें मना कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आती है, तो अब क्या करें। अब इस कारण बहुत सारे लोग इस व्यवसाय को जो अच्छा कर सकते थे लेकिन वो बीच में ही छोड़ के निकल जाते हैं। तो हमारा प्रयास है, जो ये समस्या है, इस समस्या का समाधान क्या है, उस समाधान को आपके सामने लेकर आना। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने बेहतरीन ट्रेनर्स जिन्होंने इस व्यवसाय में वो अच्छी तरह समझा है और स्वयं कुछ चीजें करते हुए कामयाब हुए हैं और अपनी टीम को भी कामयाब बना रहे हैं, उनके अनुभवों के आधार पर आप सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि जिन समस्याओं से वो दो चार हुए उससे आपको ना होना पड़े और आप तेजी से इस व्यवसाय को करते हुए एक बेहतरीन आय की तरफ, एक बेहतरीन कैरियर की तरफ, एक बेहतरीन इनकम की तरफ आप बढ़ सके। तो आज हमारे बीच में जो लीडर है वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बातों के धनी, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, अब बहुत ही मैं कहूंगा कि बहुत ही सुलझे हुए विचारों से और ओपन विचारों, ओपन माइंडेड व्यक्तित्व के मालिक हैं। और इन्हें आप सभी लोग, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं, और कुछ लोग जो आज नए हैं जिनको आज इनवाइट किया गया है, आज उनसे उनकी मुलाकात होना, उनको सुनना भी मैं कहूंगा कि एक सौभाग्य की बात है, आपका आना हमारे लिए और आपका सुनना मुकेश वर्मा जी के लिए। तो हमारे एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड मुकेश वर्मा जी, सर आपकी मेन जो पृष्ठभूमि है इलाहाबाद से है, आप इलाहाबाद में भी रहते हैं, आप कानपुर में भी रहते हैं और आप लखनऊ में भी रहते हैं और आज आप हमारे स्टूडियो में भी बैठे हैं। तो जहां पे हमें जरूरत पड़ती है एक बेहतरीन मित्र की भांति, एक बेहतरीन कुलीग की भांति और एक बेहतरीन आप मेंटर की भांति हर किसी को अपनी सेवाएं देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आपका सर इस शो में आज बहुत बहुत स्वागत है मुकेश वर्मा जी। सर प्लीज अनम्यूट योर माइक। तो वर्मा जी कैसा मौसम है, क्या हाल चाल बा? सबसे पहले मैं बोलूंगा वर्चुअल में, क्या हाल चाल बा, सब ठीक ठाक बा? बोलता है जबरदस्त बा, लेकिन अब वही ने समय गर्मी का जन है प्रचंड पड़ल बा बरसात के महीना में। अरे वाह, बरसात के महीना का मतलब कि फसल खूब अच्छी हुई। तो जब फसल अच्छी हुई तो एक मतलब ई भइल की भाई आपका बिजनेस भी खूब बढ़े, इनकम भी खूब आई, बैंक बैलेंस खूब बढ़ोतरी हुई। तो तरक्की हुई और बढ़ोतरी भी होगी बैंक बैलेंस में। मुकेश जी आज आपका जो टॉपिक है आपको पता है और आज हम बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग देंगे और साथ साथ आज हमारे पास करीब करीब लगभग 400 के आसपास फिगर हमारी पहुंचने वाली है, बहुत जल्दी लोग आ चुके हैं। तो ओवर टू यू सर, स्टार्ट दिस ट्रेनिंग सेशन सो दैट जो मेन मूलभूत जो समस्या है डायरेक्ट सेलिंग की, उससे कैसे पार पाया जा सकता है, उससे कैसे निपटा जा सकता है, इसके बारे में आप हमारे आज दर्शकों को अपने ट्रेनिंग के माध्यम से बताएं। या तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का इस वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन में स्वागत है। डीएक्सएन की आज की जो ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, आप देख पा रहे हैं कि हर दिन हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो बहुत मुस्तैदी से, बहुत मेहनत से लगे हुए हैं। हर दिन आपको 12 बजे से ट्रेनिंग सेशन मिल रहा है। 1 तारीख को भरत सर ने दिया, 2 तारीख को रोशन जी का था प्रोग्राम और आज मुकेश वर्मा आपके सामने हैं, आपकी सेवा में हाजिर हैं। और निश्चित तौर पर आज का जो विषय आप लोग लेकर के यहाँ पर एक्साइटेड हैं कि ये क्या विषय है, कैसे इस विषय पर आप वर्क करेंगे, कैसे इस विषय को आप समझेंगे और कैसे इस इंडस्ट्री में
इस बात को समझते हुए आप जो है आगे जाएंगे, इस पर आज की बात हम लोगों को समझना होगा। विजय सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, आपकी स्क्रीन दिख रही है। ओके, तो आज का जो विषय है डियर फ्रेंड्स, वो आप सब जानते हैं कि आज का क्या विषय है, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट का क्या मतलब है? फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट का मतलब है संभावनाएं तलाशना, संभावनाएं तलाशना। अभी ये जो संभावनाएं तलाशने की बात है, संभावनाएं तलाशना है क्या, किस चीज की संभावनाएं तलाशना है, किस बात की प्रोस्पेक्टिंग करनी है, क्या वो होता है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता क्या है, और क्यों हम उस संभावना को ढूंढें। बहुत सिंपल सी बात हम सबको समझना है कि जब हम डीएक्शन के व्यापार में आ चुके हैं, हमारे किसी लीडर ने, हमारे किसी मेंटर ने, हमारे किसी भी टीचर ने हमको इस बिजनेस में उतारा, तो सिर्फ उतारा ही नहीं, उसने हमें उतारने के साथ कुछ सपने भी दिखाए। वो सपने क्या हो सकते हैं? वो सपने आपकी आर्थिक आजादी के हो सकते हैं, वो सपने आपके लिए पार्ट टाइम इनकम का हो सकता है, वो सपना आपके लिए अपने परिवार के लिए 10-20-25-50,000 1-2 लाख रुपए महीने कमाने के हो सकते हैं, या फिर कार का, अपना मकान का, ऐसे तमाम सपने हैं जो आपके लीडर, आपके अपलाइन आपके साथ डिस्कस करते हैं, और समय समय पर आप उन सपनों में इजाफा करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। तो आज का जो ये विषय है, वो कैसे आपके उन सपनों को फुलफिल करता है, कैसे उन सपनों को मदद करता है कि आप उन सपनों को पूरा कर सकें, उन सपनों के साथ जी सकें। इसमें आज का जो विषय है आपको पूरी पूरी मदद करने वाला है माय डियर फ्रेंड। मैं आज के विषय पर बात करूं उसके पहले मैं नतमस्तक होकर के अपने महागुरु प्रोफेसर के एन वसुपल्लैया और गुरु माता को चरण स्पर्श करता हूं, जिसकी वजह से आज मैं यहां पर हूं। आप दोनों की वजह से ही मैं आज यहां पर हूं। आप लोगों ने जो हमें सिखाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चरणों में वंदन है, नमस्कार है, प्रणाम है, प्रातः स्मरणीय। ये जो कपल है, अगर इन्होंने इस व्यापार को यहां पर ला करके नहीं दिया होता तो निश्चित तौर पर हम आज इस व्यापार में न होते, या इस व्यापार को अच्छे से कर ना पा रहे होते। सो डियर फ्रेंड्स, गुरु का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, और जो गुरु ने हमें सिखाया उसको आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को पूरी दुनिया में जीने का, एंजॉय करने का मौका जिस शख्सियत ने दिया, जिसकी एक बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ा विजन हमारे साथ आज भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने शुरुआत किया आज से लगभग 28 साल पहले डीएक्सन नाम के इस ऑर्गेनाइजेशन को, तातुक डॉक्टर लिम सियोजिन। तातुक डॉक्टर लिम सियोजिन क्या है? गुड मॉर्निंग दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू कारण मुकेश वर्मा जी डिस्कनेक्ट हो गए, आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुकेश सर, प्लीज शेयर योर स्क्रीन, अपना वीडियो ओपन कर लीजिए। सर, अगर आपका वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो बंद करके भी मीटिंग को स्क्रीन शेयर करके चालू कर सकते हैं। मुकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, आपका माइक कनेक्ट नहीं है अभी। तो दोस्तों, जाइएगा कहीं नहीं, मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, बस माइक उनका, माइक में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उसे सही कर रहे हैं। मुकेश जी,
जानी साहब प्लीज जस्ट चेक विद मिस्टर मुकेश वर्मा जी क्या उनको इश्यू आ रहा है। तो दोस्तों आज जो बात अभी मुकेश जी कर रहे थे मैं उसके बारे में थोड़े से आपको हाईलाइट डालूंगा क्योंकि बेसिकली वही बताएं तो ज्यादा मजा आएगा आपको सुनने में और करने में। बेसिकली संभावनाएं, ये संभावनाएं क्या होती हैं इसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। संभावनाएं होती हैं कि काश ऐसा हो जाता, हम सोचते हैं ना काश ये मेरे साथ जुड़ जाता, राइट, काश अगर ये मेरे साथ मिलके काम करता। तो ये काम करता, मैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बोल रहा हूँ पर्सपेक्टिव में, कि जब ये बात करते हैं संभावनाएं, हर एक व्यक्ति, हर एक कंज्यूमर जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, इंसानों में, राइट, और जानवरों में भी कंज्यूमर है लेकिन वो पैसा नहीं खर्च कर सकते, डेफिनेटली वो इंसान ही पैसा खर्च करेगा तभी उनको चीजें देगा। तो जो हर एक व्यक्ति जो इस धरती पे जिसने जन्म लिया है, इंसान है, वो आपका एक कंज्यूमर है और वो आपकी एक संभावना है। संभावना किस लिए? कि कंज्यूम करेगा प्रोडक्ट को, यूज करेगा, और यूज करने के साथ जब उसके फायदों को महसूस करके लोगों को शेयर करेगा तो वो आपके साथ जुड़ेगा। जब आपके साथ जुड़ेगा तो वो आपका एक संभावित पहले था यूज करते समय, लेकिन जब जुड़ा तो आपके साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर बना, आपका एक नेटवर्क डेवलप हुआ। तो जब नेटवर्क आपका जब डेवलप होगा, कैसे होगा नेटवर्क डेवलप? जब एक व्यक्ति इसकी शुरुआत करता है, एक व्यक्ति जब इसके डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत करता है तो वो क्या करता है, शुरू शुरू में उसे वो एक कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर। ये कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बना जाता है, आप सभी जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें पता है, जबकि जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि डीएक्शन का एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप फॉर्म आता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आपको फिलअप करना है, एक आधार कार्ड, एक फोटो लगाना है, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। आपने, आपको एक मेंबरशिप कोड मिल गया जिसको आप डिस्काउंट, बहुत से लोग डिस्काउंट कार्ड भी बोलते हैं, अलग अलग एब्रीविएशन, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर कोड होता है 9 अंकों का। उस कोड पे आपने अपनी जरूरत के सामान को परचेज किया, खरीदा, खरीदने के जरूरत का सामान क्या होगा आपका, हम शुरुआत करते हैं आपके बाथरूम से, राइट, बाथरूम में पेस्ट की जरूरत है, टूथब्रश की जरूरत है, मसाज ऑयल की जरूरत है, शैम्पू की जरूरत है, ठीक है, हैंड एंड बॉडी लोशन की जरूरत है, आपके फेस वॉश की जरूरत है, राइट। देन उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, किचन की तरफ आते हैं, जब क्योंकि जब आदमी नहा धो के फ्रेश होता है या तो पूजा करने जाएगा फिर किचन की तरफ जाएगा, पूजा पाठ करने के बाद किचन की तरफ जरूर जाएगा। जब किचन की तरफ जाएगा तो आपको वहाँ पे मिलेगा हेल्थ ड्रिंक में कोको जी, लेमन जी, है ना, आपके एंटायर रेंज ऑफ कॉफी, एंटायर रेंज ऑफ आपका क्या कहते हैं दैट इज फूड सप्लीमेंट, जैसे आपका RGGL हो गया, आपका आपका स्पिरुलिना हो गया, फिर आपके ओट्स हो गए, राइट, ये सारी चीजें आपके किचन के अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो यानी ये सब चीजें जो हम बाहर से अलग अलग ब्रांड्स के खरीदते, वो ब्रांड्स आप डीएक्शन से वो चीज, वो ब्रांड ना खरीद के आप डीएक्शन के प्रोडक्ट खरीद के घर पे लाए अपनी आईडी पे। जब अपनी आईडी पे लेकर आए तो आपको उस समय डिस्काउंट मिला क्योंकि एमआरपी और डीबी में करीब 15-25% का वेरियंस आता है, डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग उत्पादों पे। जब आप उसे लेकर आएंगे आपको डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट मिलने के बाद आपने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, और हर प्रोडक्ट के साथ एक पॉइंट वैल्यू होता है जिसे बोलते हैं पीवी, और साथ में SVV होता है। तो अब अगर आपने जैसे प्रोडक्ट परचेस किया, परचेस करने के बाद आपने घर में यूज किया, तो आपके घर में कभी कभी क्या होता है, मेहमान भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, राइट, डेफिनेटली जब रिश्तेदार आते हैं तो कुछ लोग टॉयलेट्स में भी जाते हैं, जब देखते हैं कि ये कौन सा पेस्ट है, ये कौन सा साबुन है, ये कौन सा शैम्पू है, राइट, या फिर जब किचन में जाते हैं तो कहते हैं अरे ये स्पिरुलिना ये क्या चीज़ है, RGGL क्या चीज़ है, वो दिखता है तो आप बताते हो उनको कि भाई ये मैंने इसलिए लिया था और मुझे मेरे बच्चों को अच्छी हेल्थ मिल रही है और मेरे को भी इससे बहुत फायदा हो रहा है, तो वो भी इंटरेस्टेड हो, उसने कौन सी दुकान पे मिलता है। तो आप क्या बताएंगे, ये दुकान पे मिलता है लेकिन उसी दुकान पे मिलता है जिसको कंपनी ने अधिकृत किया है। तो अब पूछेगा वो दुकान कहाँ है, कोई बात नहीं, वो दुकान मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको क्या चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप उसे अपनी आईडी प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, परचेस करने के बाद आप उसको एमआरपी भी देंगे, राइट, एमआरपी भी क्यों देंगे, क्योंकि यहीं से इस बिजनेस की, इस व्यवसाय की शुरुआत होती है, क्योंकि किसी दुकान पे ये नहीं मिलता। आप बिल्कुल, क्या मुकेश वर्मा जी आ गए,
सो दोस्तों हमारे साथ मुकेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मुकेश शर्मा जी प्लीज ओपन योर वीडियो. अगर वीडियो में सर आपकी कोई दिक्कत है तो देन यू कैन शेयर योर स्क्रीन ओनली एंड नहीं सर प्रॉब्लम जो है वीडियो से नहीं है, प्रॉब्लम जो है अब स्क्रीन से ही आएगी. मैं जो है आज विदाउट स्क्रीन शेयरिंग मीटिंग करूंगा. ओके ओके. अगर स्क्रीन से भी कोई दिक्कत है तो सर आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना वो प्रेजेंटेशन दे दीजिए, मैं यहाँ से चला दूंगा. एक्चुअल में मोबाइल में नहीं है प्रेजेंटेशन, मेरा उस पे है लैपटॉप पे. आप व्हाट्सएप को लैपटॉप पे खोल सकते हैं और मैं करता हूँ फिर मुझे. तब तक आप मेरे को दो सिर्फ चार मिनट दीजिए फिर. सर लैपटॉप ही नहीं कनेक्ट हो रहा नेट से. ओके तो ठीक है सर आप उस पे आ जाइए और अगर कोई आपके पास कोई है व्यक्ति तो आप वो प्रेजेंटेशन मुझे शेयर करवा दीजिए बस. मैं देखता हूँ. हाँ मुझे शेयर करवा, तब तक आप कंटिन्यू करिए सर प्लीज. दो मिनट और दीजिए आप, तब तक बातचीत कीजिए. चलिए मैं बातचीत करता हूँ, मैं आगे बातचीत को बढ़ाता हूँ. तो मैं इसमें था कि हाँ जब वो आपका कोई रिलेटिव रिलेटिव या मित्र जब वो प्रोडक्ट को आप देते हैं तो अपनी आईडी पे लीजिए और एमआरपी पे दीजिए. अब यहाँ पे तो पूछेगा यार क्योंकि उसे जब दुकान से कोई सामान लेके आते हैं ना तब कोई भी चीज दुकान से लेते आते हैं दुकानदार कभी आपको डिस्काउंट नहीं देता और मांगेगा मांगोगे भी डिस्काउंट पता क्या बोलेगा, हमें कुछ बचता ही नहीं, बिजली का खर्चा फ्रिज का खर्चा है कैसे चलेगा, अगर मैं आपको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा. तो आप कहते चलो कोई बात नहीं क्या फर्क पड़ता है जितना लिखा है उतना ही दे दो, राइट. यही मिलता है ना एक्सक्यूज. अगर आप दुकान जाओ आप जाइए कोई बिस्किट का पैकेट लीजिए, अभी 5 रुपए का है तो 4.5 रुपए में नहीं देगा, 5 रुपए में ही देगा और आप लेकर आएंगे. तो ये डर बिल्कुल निकाल दीजिए कि इससे सस्ता कहीं मिलेगा, क्योंकि मिलेगा कहाँ से, केवल डीएक्सएन के सर्विस सेंटर पे. और सर्विस सेंटर से किसको मिलेगा, जो डीएक्सएन का डिस्ट्रीब्यूटर होगा. अब जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा उसको क्या करना, पहले डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा तब जाके उसको एमआरपी मिलेगा. तो यहां से आपकी शुरुआत होती है मार्जिन की, रिटेल मार्जिन की. जो रिटेल मार्जिन आपको कैसे मिलता है, रिटेल मार्जिन कैसे कहते हैं आपको, खुदरा बिक्री, यानी आपको मिला डीपी पे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और एमआरपी आपका हुआ मान लो 100 रुपए की कोई चीज ली और एमआरपी हुआ 125, तो 125 में बेचेंगे आप 100 रुपए का लेके, वो 25 रुपए क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं आप, राइट. बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के अंदर क्या है, अगर पैसा नहीं कमाएंगे आप तो क्या होगा कि बिजनेस से आपको मोटिवेशन नहीं आएगा. और उस पैसे को अगर आप चौथे सोचते हैं कि चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको छोड़िए मत, उसको लीजिए पूरे पूरा एमआरपी पे दीजिए आप. और उस पैसे को आप अपने ट्रैवलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरे नए लोगों से मिलने के लिए आने जाने के खर्चे के लिए यूज कर सकते हैं. क्योंकि घर से पैसा लगा के, घर की इनकम में से पैसा लगा के बिजनेस नहीं किया जा सकता, बल्कि पैसा लगा के पैसे से पैसा कमाया जाता है, राइट. यानी पैसा लगा के पैसे से पैसा, अगर मैं लागत के अंदर भी लागत में लाया और उतने में मैंने दे दिया, मैं सर्विस सेंटर पे गया. बहुत सारे कुछ लोग गलतियां करते हैं शुरुआती बिजनेस में, वो सर्विस सेंटर पे जाते हैं, मान लो शेयरिंग ऑटो चलते हैं बहुत सारी जगह पे, 10 रुपए जाने में लगे, 10 रुपए आने में लगे, अब रास्ते में अगर भूख लग गई तो कुछ खा भी लिया तो 150 रुपए खर्च किए और सामान लेकर आ गए. उसके बाद क्या करें, उसी सामान को आप जितने में लाए उतने में बेच रहे हो, तो जो आपने आने जाने का खर्चा किया वो कहाँ से आएगा. इसीलिए ये सिस्टम है कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और एमआरपी में डिफरेंस है, राइट. डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आप लेंगे, एमआरपी बेचेंगे, जो आने जाने का जो खर्चा है ना, जो आपने खर्च किया, जो वहां तक गए, धूप सही, अपना टाइम लगाया, उस टाइम का तो कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए ना, उस टाइम का तो कोई ना कोई आपको इनकम मिलना चाहिए ना. तो इनकम मिलेगा कैसे, वो इनकम इसी तरीके से मिलेगा डीपी पे लेके एमआरपी. हाँ कुछ लोगों का क्वेरी आता है सर हमने तो डीपी पे लिया एमआरपी बेचा, कोई और पहुंच गया उसके पास और उसने उसको ज्वाइन करा दिया. हाँ ये होता है, ये हर जगह होता है. उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले ही बताना है देखिए ये जो प्रोडक्ट है हमको इतने में मिलता है, अगर कोई ऐसी क्वेरी आती है तो, और हम डिस्ट्रीब्यूटर, चूंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरा आने जाने में इधर आने जाने में इतना खर्च लगता है, सब कुछ लगता है, तो डेफिनेटली मैं बिजनेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे मेरा वो हक बनता है. अगर आपको ये आपको इसी रेट पे चाहिए जिस रेट पे मैं ला रही हूँ या ला रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, अपना एक फोटो दे दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म भर दीजिए आप, और आपको चलिए मैं वहां पे आपका एक कार्ड बनवा देती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे आप यहाँ पे, और आपको मैं डिक्शन का ऑथराइज सर्विस सेंटर दिखा देती हूँ, यहाँ से जाके आप अपना प्रोडक्ट लीजिए, बिल लीजिए, आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा. लेकिन अगर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको ला के दूंगी, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो आप मुझसे जरूर बात करिए, राइट. और क्योंकि आपको आपको मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ, सब सारी जानकारी हम दे रहे हैं आपको,
और आपका आपकी जो मैं मदद कर सकती हूँ वो बेहतरीन सर्विसेज मेरे अलावा कोई और नहीं दे सकता। तो इस तरीके से एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, मतलब मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मित्रता होनी चाहिए। यानी जब आपके साथ कंज्यूमर के साथ आत्मीयता और एक मित्रता का भाव होगा तो सामने वाला व्यक्ति अगर उसे प्रोडक्ट फ्री में भी देखे जाएगा तो वो इस्तेमाल नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ लोग गलतियां कर जाते हैं, वो क्या करते हैं कि सीधा दे दिया और बातचीत कुछ नहीं की, बस को खाते जाओ इस्तेमाल करते जाओ, खाते जाओ इस्तेमाल करते जाओ। अब बेचारा परेशान है, पूछ रहा भैया क्या है क्या है, राइट। तो बेसिकली आपको पहले मित्रता का भी एक भाव रखना है कंज्यूमर के साथ, एक पर्सनल टच रखना है कंज्यूमर के साथ, तभी वो कंज्यूमर एक बेहतरीन संभावित बन के आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, या फिर आपको नए डिस्ट्रीब्यूटरों को आपको नए लोगों से आपको परिचय करवा सकता है कि भाई ये पांच लोग और हैं, ये हैं और इनसे आप मिलिए, आप इनको भी प्रोडक्ट दीजिए, ये भी इंटरेस्टेड हैं, या फिर उनमें से कुछ पांच लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके साथ इस बिजनेस को करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, राइट। तो जब इस बिजनेस को करने के लिए जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप समझ गए, जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे तो आपको इनकम आएगा, उसको भी MRPDP का इनकम आएगा, साथ में जो पॉइंट वैल्यू है प्रोडक्ट के साथ का पॉइंट वैल्यू, उस पॉइंट वैल्यू हर प्रोडक्ट के साथ एक पॉइंट वैल्यू मिलता है। जब ये पॉइंट वैल्यू उस महीने के अंत तक 1000 हो जाता है तो आपको बोनस मिलता है, अलग से कमीशन मिलता है, यानी MRPDP के अलावा भी आपको अलग से कमीशन मिलेगा। अब ये कमीशन कैसे मिलेगा आपको? अब ये कमीशन जब आपको मिलेगा, शुरुआत में कुछ लोगों को ये कमीशन 60 रुपए भी आता है, डिपेंड करता है ना आपने प्रोडक्ट कौन से खरीदे। MRPDP का जो आपने जो कमाया वो अलग है, और कुछ लोगों को 600 भी आता है, और जब काम करते धीरे धीरे आगे बढ़ने शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों को 6,000 भी आता है, कुछ लोगों को 60 भी आएगा, और कुछ लोगों को 6,00,000 भी आता है। तो कैसे होगा? जैसे ही आप काम कर रहे हैं, जैसे आप प्रोडक्ट को अपने ID पे ले जा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, उसी तरीके से कुछ लोग आपके बिजनेस व्यवसाय में जो इंटरेस्टेड होंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, वो भी ऐसा करना शुरू करेंगे। तो जो वो करेंगे उनके किए का उनको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन साथ साथ आपने जिसको अपने साथ जोड़ा है उनके किए हुए काम का भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ऐसे ही अगर एक आदमी आपके साथ जुड़ा है तो एक का बेनिफिट मिलेगा, और आपके साथ अगर 2000 लोग जुड़े हैं तो 2000 लोगों का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो इसी से क्या होगा, काम हम उतना ही कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे नीचे जो लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उनके काम करने के कारण हमारा जो इनकम है वो बढ़ता है। तो ये जो मॉडल है बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, बेहतरीन सिस्टम इसलिए कहूंगा, किसी भी जॉब में अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपनी किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो जो आप काम कर रहे हैं ना वो आपका एफर्ट माना जाएगा, राइट। या फिर आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया और उसके बाद अपने किसी कुलीग की हेल्प कर रहे हैं आप, तो वो आपके में काउंट नहीं होगा, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, खाली उसकी हेल्प ही कर रहे हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला आपको उसमें। प्लीज इनेबल द स्क्रीन शेयरिंग। जसमेर मुकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। सर यू आर ऑलरेडी ऑलरेडी ए को होस्ट। आप कर सकते हैं सर। नो, दूसरी लॉगिन मैंने की है। हाँ कर दिए सर मैंने, प्लीज। तो मुकेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों, ये अधूरी बात हम किसी और दिन में पूरी करूंगा एक ट्रेनिंग के माध्यम से, और आज क्योंकि मुकेश जी का दिन है तो आज मुकेश जी के लिए सुनने के लिए आप लोग आए हैं। तो हे द मुकेश जी, जी अभी स्क्रीन क्लियर है? हाँ जी मुकेश जी स्क्रीन क्लियर है। सर आपका वीडियो ओपन है क्या? नहीं मैं करता हूँ, क्योंकि आप मुझे दिख नहीं पा रहे, दिख नहीं रहे हैं। अभी ओके है? आप मुकेश जी को स्पॉट ले दीजिए प्लीज। ऑल इज वेल? या ऑल इज वेल सर, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। मैं बहुत जल्द जो है चीजों को कवर कर लूंगा। सभी लोगों से माफी मैं चाहूंगा टेक्निकल इश्यू की वजह से, और निश्चित तौर पर जहां हम लोग बात कर रहे थे वो एक ऐसा विषय है उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं बात कर रहा था डॉक्टर लिम की, हमारे फाउंडर की, कि हमारे फाउंडर ने हमारे लिए क्या किया हुआ है। उठा
नहीं करते, लीव करते, तो नहीं तो नेट खाएगा। थैंक यू जी। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। What happened with my system? मुकेश जी अगर आपने स्लाइड शो किया हुआ है तो आपको स्लाइड शो वाले स्क्रीन पे ही खोलना पड़ेगा अपने आप को। आप जूम पे स्विच ओवर ना होइए, वहीं से आप बोलते जाइए, आपकी जो स्लाइड से वो भी दिखेगी और साथ साथ आपके सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने पावर पॉइंट स्लाइड शो से ही चलते रहिए सर। मैं एक्चुअल में स्लाइड ही ओके कर रहा हूं बट वो स्लाइड आगे बढ़ नहीं रही है। तो एरो की यूज करिए सर। आप एरो ही यूज कर रहा हूं। आप अपनी स्लाइड पे क्लिक करके आप जूम के स्क्रीन पे ना करके आप पावर पॉइंट के स्क्रीन पे करिए। पावर पॉइंट की स्क्रीन, हाँ आप ऑल्ट और टैब दबा के जाएंगे तो स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। ऑल्ट की एंड टैब की शेयर करिए आप। अभी मैं फिर से कर रहा हूँ शेयर। हाँ शेयर करिए। जब शेयर करेंगे ना तो आपको वापस क्या कहते हैं पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन पे जाना पड़ेगा। ओके ओके ओके। हाँ तब आपका मूव करेगा सर। सो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा। मुकेश जी बिल्कुल बहुत मेहनत से उन्होंने चीजें बनाई हैं। अभी स्क्रीन दिख रहा सर? यस सर यस दिख रहा है। ओके अपना वीडियो ओपन कर लीजिए सर। मैं कर रहा हूँ सर। वीडियो ओपन करके आपको पावर पॉइंट पे वापस जाना पड़ेगा। पावर पॉइंट में वापस जाने के लिए ऑल्ट टैब की, हाँ ऑल्ट ऑल्ट दबा के रखिए और टैब की को प्रेस करिए। ऑल्ट, हाँ ऑल्ट ऑल्ट और टैब की, ऑल्ट पे अंगूठे को रखिए और टैब की पे फिंगर प्रेस करिए। ऑल्ट ऑल्ट एज वेल एज टैब, हाँ टैब ऑल्ट को दबा के रखना, टैब प्रेस करना है तो आपको दिखा देगा पावर पॉइंट का स्क्रीन, वहीं पे छोड़ दीजिए उसको, जैसे आए उसको सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। हो गया सर? अभी तो नहीं बढ़ रहा मेरे हिसाब से। आप पावर पॉइंट पे क्लिक करिए वापस जाके, नीचे देखिए आपको नीचे बार स्टेटस बार होगा उसके नीचे पावर पॉइंट पे क्लिक करिए आप। हाँ आ गया। ओके हाँ अभी सही है। हाँ ठीक है सर। सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ वीडियो भी ओके? ओके सर ओके ग्रेट। सो माफी चाहूंगा एक बार फिर से दोस्तों, और बढ़ते हैं आगे फाउंडर के साथ साथ, जिन्होंने इस इंडिया में खून पसीना एक करके इस इंडिया के नेटवर्क को सींचा है, बढ़ाया है, उनको भी सत सत नमन के साथ डॉक्टर एस रंजन सर को चरण स्पर्श करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या है आज का जो विषय है? फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स, संभावनाएं तलाश करने का जो ये कारोबार है, ये क्या है एक्चुअल में? क्या है संभावनाओं को तलाश करने के पीछे? सिर्फ इतना ही नहीं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि संभावनाएं तलाश करना का मतलब है लोग, लोग यानी कि कच्चा माल। सिर्फ यही नहीं है, संभावनाएं तलाश करने के पीछे एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई है, संभावनाएं अमीर बनने की, संभावनाएं आपके अपने बच्चों को अमीर बनाने की, संभावनाएं गरीबी का कलंक मिटाने की, संभावनाएं ऐसी बातों को करने की जिनको आज तक या तो आपके खानदान में किसी ने अमीरी की तरफ बढ़ करके कदम नहीं रखा है, या फिर आज तक आप और हम वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। जी हाँ दोस्तों,
ऐसी चीजों की संभावना हम सबको तलाशना है। हम आए ही है इसलिए इस जीवन में कि हम आए हैं और जन्म लें और जन्म लेकर के इस दुनिया से चले जाएं, इसलिए हम नहीं आए हुए हैं यहाँ पर। हम आए इसलिए हैं कि हम इतनी बड़ी तलाश जारी रखें कि उसमें इतनी ज्यादा संभावनाएं छिपी हुई हों कि उसका कोई अंत ही ना हो, माय डियर फ्रेंड। तो इस बात को हम सबको अच्छे से जानना है, इस बात को हम सबको अच्छे से समझना है, और अगर हम ये सारी बातें जानेंगे समझेंगे तो निश्चित तौर पर हम बहुत आगे जाने वाले हैं। हम कहाँ रह रहे हैं, हम किन लोगों के बीच में रह रहे हैं, इस बात को समझना है। ये सिस्टम को समझेंगे, ये लोग किस जाने वाले हैं, ये सारी बातें आप सबको, हम सबको समझना है। ये लोगों का क्या महत्व है, डियर फ्रेंड। जिस तरीके से आप आज अभी सपनों की बात कर रहे थे, उस सपनों में कुछ अचीवमेंट लेने के लिए ये कच्चे माल की जरूरत है। नेटवर्क इंडस्ट्री लोगों का कारोबार है, लोगों के बीच में रह करके आपको काम करना होता है, और अगर लोगों के बीच में रह करके आप काम कर रहे हैं तो यही आपके लिए कच्चा माल है। जब भी कोई भी इंडस्ट्री काम करती है, जब भी कहीं पर भी कोई व्यापार में कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके साथ कच्चा माल क्या है। अगर आप मान लीजिए एक पेन बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो आपके पास प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स होने चाहिए, दाने होने चाहिए, और रिफिल जो स्याही होती है, पॉइंट्स, ये सारी की सारी चीजें आप जब ला करके एक जगह पर रखते हैं और उसको जब असेंबल करते हैं तब जाकर के एक पेन का निर्माण होता है। एक बहुत छोटा सा, बहुत साधारण सा घर का एक एग्जाम्पल लेकर के मैं अक्सर शेयर करता हूं कि ये कच्चा माल क्या है। अगर हमको रोटी खानी है पकी हुई तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक आप पिसा हुआ आटा, पिसा हुआ गेहूं यानी कि आटा जिसको बोलते हैं, पानी ला करके उसको जब तक आप गूंथेंगे नहीं तब तक ये संभव नहीं है कि उसका आप रोटी तैयार करें। सो इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड, अगर आपको अपने सपनों की बिल्डिंग तैयार करनी है, अगर आपको सपनों के जीवन को जीना है, तो ये कच्चा माल जो है इस इंडस्ट्री के लिए, डीएक्सन कारोबार के लिए, वो हमको आपको बहुत अच्छे से समझना है। और ये जो कच्चा माल है, ये लोग हैं, और ये लोग के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो ये एकदम आज का ताजा तरीन फिगर आप पाइए। ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं संख्या, ये मोबाइल नंबर है क्या? नहीं, ये मोबाइल नंबर नहीं है, ये विश्व की जनसंख्या है, यानी कि विश्व में इतने लोग हैं। हर दिन लोग जिंदा हो रहे हैं यहां पर, यानी कि जन्म ले रहे हैं, और हर दिन यहां से बहुत से लोग मर करके जा रहे हैं। आप जरा सोच करके देखिए ये कितनी बड़ी आबादी है। अगर इसको आप देख पा रहे हैं तो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी आबादी है, 7.9 बिलियन लोग हैं, 7.9 बिलियन हैं लोग। अगर मैं इसको अपने इकाई दहाई के हिसाब से पढ़ करके आपके साथ शेयर करूं, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, पूरी दुनिया में 7.89 करोड़ लोग हैं, यानी कि 7.90 करोड़ कह लीजिए, मोटे मोटे में 8 अरब की बात कर लीजिए आप, 8 अरब की पॉपुलेशन। और डीएक्सन का जो कारोबार है, ये वन वर्ल्ड वन मार्केट का कारोबार है, यानी कि आपने उत्तर प्रदेश से ज्वाइन किया, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ से ज्वाइन किया, भारतवर्ष में किसी भी राज्य, किसी भी जिले से आपने ज्वाइन किया, किसी भी जगह से ज्वाइन किया, ये मैटर नहीं करता है कि आपने ज्वाइन कहां से किया है, सिर्फ मैटर ये करता है कि आप कितनी बड़ी सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया
भर का बिजनेस है, डीएक्सन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और पूरी दुनिया में आपके पास जो कच्चा माल है वो 7 अरब से ज्यादा है, लगभग 8 अरब है। आप सोच करके देखिए कि आप कितने बड़े साम्राज्य पर स्थापित हो सकते हैं। और अगर सिर्फ भारत के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो भारत की भी पॉपुलेशन 139 करोड़ से ज्यादा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,00,000, 10,00,00,000, 10 करोड़ अरब, 1 अरब 40 लाख, 1 अरब 40 करोड़ लोग। यानी कि आप जरा सोच करके देखिए कि कितनी बड़ी जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या में आप संभावनाएं तलाशने जा रहे हैं। सोचिए जरा दोस्तों, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि जहां पर आपके पास कच्चे पदार्थ की कमी नहीं है, आप ऐसे इंडस्ट्री में आ गए हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, उस कच्चे पदार्थ में से कुछ चीजें निकाल लेनी है, कुछ पदार्थ निकाल लेना है, कुछ कच्चे लोगों को निकाल लेना है। और अगर आपने ऐसा किया तो आप बहुत 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 आगे चले जाएंगे। और ये कच्चे लोगों को निकालने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को नेटवर्क इंडस्ट्री में, डीएक्सएन के मार्केटिंग इंडस्ट्री में लिस्ट का नाम दिया जाता है। यानी कि जो प्रोस्पेक्ट आपके हैं उनको आप कैसे लाएंगे और ला करके अपनी लिस्ट में कैसे डालेंगे, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट वो उतना अमीर, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट वो उतना बड़ा बिजनेस क्रिएट करेगा, जिसके पास जितना बड़ा कच्चा माल वो उतना बड़ा कारोबार करने वाला है। ये अगर आपको बात समझ में आ जाएगी तो आप बहुत आगे जाने वाले। लेकिन आज की जो बातचीत है, उस बातचीत में आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट कैसे तैयार करें, इस पर मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो चलूं उससे पहले इस लिस्ट को कैसे तैयार करना है या मैं कैसे तैयार करता हूं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूं जो कि एकदम मेरे साथ घटित हुई है। एक बार एयरपोर्ट पर मैं जर्नी कर रहा था, मैं मीटिंग करने के लिए जा रहा था, मैंने एक बड़ी सुंदर सी लड़की देखी, 20-22 साल की वो लड़की रही होगी। ईश्वर ने उसको नए नक्स, हर चीज बहुत सुंदर बना करके दिया था। और सिर्फ मैंने ही नहीं देखा, उस एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ हर आदमी, हर औरत, हर पुरुष, हर महिला उस व्यक्ति को, उस लेडी को देख रहा था। सबके मन में कुछ ना कुछ ख्याल चल रहे होंगे, मैं भी बड़े ही लालायित होकर के अपने आंखों से उसको देख रहा था। सब क्या सोच रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ये जो लड़की आ रही है ये मेरी डीएक्सएन की प्रोस्पेक्ट है, ये मेरे बिजनेस की प्रोस्पेक्ट है, ये मेरे सपनों की लिस्ट में आकर के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है मेरी। कैसे मैं इसका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर अपनी लिस्ट में बढ़ाऊं? सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन मेरा नजरिया जो उस समय चल रहा था वो ये चल रहा था कि ये जो है ये मेरे लिस्ट में कैसे आ जाए। और ये सिर्फ उस दिन की बात नहीं है माय डियर फ्रेंड, हर दिन मेरे दिमाग में चलता है। जो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो बहुत 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 आगे जाने वाले हैं। और लिस्ट कैसे बनाना है, आज मैं कुछ बातें आपके साथ जब शेयर करूंगा तो ये पूरा प्रोग्राम आपको क्लियर हो जाएगा और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लिस्ट बनाते समय हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि प्री जज नहीं करना, ये बहुत नुकसान करता है। मैं अक्सर एक कहानी की मदद लेता हूं और अपने नेटवर्क में जब ट्रेनिंग दे रहा होता हूं तो मैं सिखाता भी हूं कि चलिए आज हम लोग इतने लोग, आज लगभग 400 से ज्यादा लोग हैं यहां पर बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। मैं आप सब से कहता हूं कि एक हवाई जहाज है, एक हवाई जहाज है और हम सब लोग उस हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं। तभी मेरे दिमाग में एक बात आती है कि चलिए आज सभी लोग इस हवाई जहाज में से जंप करते हैं,
बाहर निकलते हैं, जंप करते हैं, और जो जंप करेगा उसको 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ज्यादातर लोग मुझे जवाब देते हैं कि नहीं, मैं जंप नहीं करूंगा, मैं जंप नहीं करूंगी। ये क्या है, ये प्री जज कर लेते हैं लोग कि हवाई जहाज है, जंप करेंगे, कोई पैराशूट नहीं है, सिर्फ बिना पैराशूट के जंप करना है। ये तो सीधे सीधे जान देने वाली बात हो गई, मौत के मुंह में जाने वाली बात हो गई। लेकिन ये कोई नहीं ध्यान देता है कि वो हवाई जहाज उड़ रहा है या खड़ा है। सो प्री जज नहीं करना है कि हवाई जहाज का नाम आ गया तो वो अब उड़ ही रहा है। प्री जज नहीं करना है। उसी तरीके से जब आप लिस्ट बनाने के लिए बैठेंगे तो आपको अपने इस कारोबार में जिन लोगों को उतारना है, जिन लोगों को इस व्यापार में ला करके जिंदगियां बदलनी है, ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। एक भी आदमी छूट ना जाए। जैसे जब पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है ना, लोग बोलते हैं ना ये आपकी जिम्मेदारी है एक भी बच्चा छूट ना जाए, उसी तरीके से ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपके नजदीकी लोग हैं एक भी नाम ना छूट जाए। क्योंकि अगर एक भी नाम छूट गया तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार आ जाएगा। लिस्ट बनाते समय कभी भी इगोइस्ट नहीं होना है कि अरे वो तो जो है बहुत ईगो वाला व्यक्ति है, या खुद भी आपको ईगो नहीं पाल करके करना है, नहीं नहीं मैं उसको तो बिजनेस ही नहीं बताऊंगा, मैं उसका नाम नहीं लिखूंगा। सो नेवर 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 प्रीजज, डोंट प्रीजज पीपल। लोगों को कभी भी पहले से प्रीजज करके मत बैठ जाइएगा। जब आप ऐसा काम करेंगे तब आपके लिए बहुत 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 मदद होने वाली है, और तब जाकर के आप आसानी से लिस्ट बना पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, लिस्ट बनाने में कुछ बातों की सावधानी आपको रखनी होगी। सबसे पहले इस बात की सावधानी रखनी होगी कि लिस्ट कभी दिमाग में नहीं बनाना है। लिस्ट जो बनाना है वो कैसे बनाना है और कितनी मजबूत तरीके से लिस्ट बनाना है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आज हमारे साथ जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया, जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री की इस मूल बेसिक बात को समझ लिया, वो ही लोग आज इस बिजनेस में टॉप पर हैं। जिन्होंने नहीं समझा, जो आज भी लिस्ट नहीं बना पाए हैं, उनके बोनस या तो बहुत छोटे हैं या वो इस बिजनेस से गायब हो चुके हैं। जी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई कोताही नहीं है कि अगर आप बेसिक्स फॉलो नहीं करेंगे तो एक दिन ये बिजनेस आपको इतना कठिन लगने लगेगा, इतना मुश्किल लगने लगेगा कि आप इस बिजनेस में कभी भी कहीं पर भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, इस बात को अच्छे से समझना है आप लोगों को। तो लिस्ट कुछ लोगों ने बनाया। हमारे यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर, वर्ल्ड के यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर, इन्होंने लिस्ट बनाया, और लिस्ट बना करके जब लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी शुरू की, लोगों को सोना प्लान करना शुरू किया, लोगों को बिजनेस बताना शुरू किया, तो आज तक सिर्फ 105 फ्रंट लाइन खोला है। लेकिन इनकी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है। ये बात को आपको समझना है। एक और शख्स जिन्होंने हम सबको सिखाया है, सिर्फ 40 फ्रंट लाइन खोला, लेकिन उस 40 फ्रंट लाइन को इन्होंने इस तरीके से डेवलप किया कि आज पूरी दुनिया में आपका डंका बजता है, आपका कारोबार बहुत बड़ा है। सोच करके देखिए ये क्यों दो मैं फिगर आपको दिखा रहा हूं, समझना बहुत जरूरी है। ये लिस्ट कब बनती है? रिएक्शन बिजनेस में आप आ गए तो आप लिस्ट बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर आपके घर में बर्थडे होता है, अगर आपके घर में शादी होती है, तो आप या आपके पिताजी या आपकी माताजी या आपके भाई लिस्ट क्या कार्ड किसको आमंत्रित करना है, कितने लोग आएंगे, कितने लोगों का खाना तैयार करवाना है, कितने लोगों की व्यवस्था करनी है, सारी चीजें तैयार होती है, सारी चीजें लिस्टिंग होती है। लेकिन जब जहां पर
इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी जिससे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम आने वाली है, तो क्या आप अपने परिवार के साथ बैठ करके लिस्ट नहीं बना सकते? सोच करके जरा देखिए, जिससे आपको आने वाले दिनों में लाखों आने वाले हैं, आप लिस्ट नहीं बना सकते। प्रोस्पेक्टिंग वहीं से है, फाइंडिंग कैसे करेंगे, कैसे तलाशेंगे, कैसे खोजेंगे, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। इन लोगों ने लिस्ट बनाई, लिस्ट बना करके काम किया, और सिर्फ इतनी बड़ी दुनिया जहां पर मैंने बताया 8 अरब लोग या 136 करोड़ की पॉपुलेशन, यानी कि 1 अरब 36 करोड़ की पॉपुलेशन भारतवर्ष की, उसमें से सिर्फ 40 लोग, उसमें से सिर्फ 105 लोग, ये 2 लोग ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने सिर्फ इतने फ्रंट लाइन खोले और आज क्राउन एम्बेसडर है। क्राउन एम्बेसडर का क्या मतलब कि 20 लोगों की जिंदगियों में उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन ला करके दिए और आज वो इस परिवर्तित इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम रखते हैं, बहुत बड़ा कारोबार का आनंद ले रहे हैं और बड़े से बिजनेस का आनंद ले रहे हैं, बड़ी सी इनकम का आनंद ले रहे हैं। सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड, तो क्यों नहीं आप कर सकते हैं? सिर्फ इतने ही की ही तो बात है। अगर आपने तैयारी कर ली है, अगर आपने सोच लिया है कि हम क्या हैं और कैसे हैं, और हमें अगर प्री जज नहीं करना है, तो हर वो व्यक्ति जिसको आप जानते हैं अपने लिस्ट का हिस्सा बनाइए, अपने डायरी पेन का हिस्सा बनाइए, और डायरी पेन का हिस्सा बनाते समय आपको अगर बहुत सिंपल तरीका आप बनाए, लिस्ट के तो बहुत से और तरीके दिए गए हैं कि उसमें कौन एग्रेसिव है, कौन लाइफ स्टाइल जीने वाला व्यक्ति है, कौन हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति है, कौन डिजीज पर है, किसको पैसे की जरूरत है, वो आप कैटेगरी क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुत सिंपल लिस्ट बनाने के पक्ष में हूं। अपने डायरी पेन पर सिर्फ 4 कॉलम बनाइए, सिर्फ 4 कॉलम बनाइए। कॉलम का मतलब 4 पंक्तियां, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 पंक्तियां खींच दीजिए, 4 लाइंस खींच दीजिए। पहले कॉलम में नाम लिखिए, दूसरे कॉलम में मोबाइल नंबर, तीसरे कॉलम में उसका पता। पता का क्या मतलब है? पता, मकान नंबर, दुकान नंबर, ये सब नहीं लिखना है, इतना समय नहीं देने की जरूरत है, स्मार्ट बनने की जरूरत है। सिर्फ एरिया या जिला या राज्य, जिस चीज से आप आसानी से समझ जाएं। और अंतिम कॉलम रिमार्क, ये बहुत विशेष कॉलम होगा। ये रिमार्क क्या है? ये बहुत 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 विशेष कॉलम होगा। इस लिस्ट में जब आप लोगों से बात करना शुरू करेंगे, तो वहां पर रिमार्क का जो मतलब है, उस व्यक्ति ने क्या रिप्लाई किया, बिजनेस ज्वाइन किया, प्रोडक्ट यूज किया, नहीं किया, क्या बोला, वो वहां पर मेंशन करना है। रिमार्क, रिमार्क की हिंदी होती है विशेष। आप विशेष लिख करके भी उस जगह पर कर सकते हैं कि क्या वहां पर विशेष बातचीत हुई। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़िएगा जिसको आपको जानकारी में आ गया है और उसका नाम आप छोड़ दें, करते ही नहीं है आप। गलती से भी गलती ऐसी मत करिएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लिस्ट में डालिए और लिस्ट बनाते समय इसको बिल्कुल भी प्रयोग में न लेकर के आए। अपने मोबाइल को किनारे रख दीजिए, बिल्कुल इस पर विश्वास मत करिए। अगर आपने मोबाइल पर विश्वास किया तो ये धोखा देने वाला है। एक अच्छी लिस्ट, एक सच्ची लिस्ट आपके मोबाइल में ना होकर के आपके डायरी में होती है। उधर डेली कुछ काम करना है, और एक अच्छी लिस्ट
जिसमें 300 से 500 नाम हैं, उनको आप ठीक ठाक लिस्ट बोल सकते हैं। 300 से 500 नाम में से आराम से आप निकाल सकते हैं क्राउन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर अपना, यानी कि मात्र 20 लोगों को खोजना है आपको, 20 पीपल जिनकी लाइफ चेंज करनी है। उसके आगे भी आप बिजनेस मार्केटिंग प्लान ऐसा है कि 20 नहीं, 21, 22, 23, 25, 50, जितना आप करना चाहें, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये लिस्टिंग का काम आपको मिनिमम 300 से 500 लोग आपके होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने लिस्ट बना दिया तो अब डायरी बंद करके रख दीजिए, कतई नहीं। गलती से भी गलती ऐसी मत करना, ये लिस्ट बनाते समय अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहिएगा। अब लिस्ट कहां से बढ़ सकती है, इस पर मैं थोड़ी सी बात आपसे जरूर करना चाहूंगा। कैसे बढ़ सकती है लिस्ट? लिस्ट बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो दायरा है वो अजनबियों का है। आज भी ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो मेरी लिस्ट का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वो अभी मेरे लिए अजनबी हैं। वो कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पता नहीं है। समझिएगा, अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके साथ शेयर करता हूं इन अजनबियों का। मैंने अभी लखनऊ में एक प्रॉपर्टी परचेज की। उस प्रॉपर्टी परचेज करने के दौरान जितने प्रॉपर्टी सेलर, बनाने के दौरान जितने आर्किटेक्ट मेरे टच में आते गए हैं, उन सब का नाम मैंने अपने लिस्ट में लिख लिया है। ये मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं। मैंने क्या बोला, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। आज का जो मेरा विषय है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, सोच के जरा देखिए, ये मेरे प्रोस्पेक्ट हैं। जब मैं उधर जाऊंगा, मैं इनकी लिस्टिंग करके रखा हूं, इनके साथ मैं प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, सो द प्लान करूंगा और अपने हिस्सा बनाने के लिए इनके साथ काम करूंगा। मेरा सीधा सा सिद्धांत है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 feet rule? 3 feet rule क्या है? 3 feet rule सिंपल सा है। ये मेरा हाथ आप देख रहे हैं, शेक हैंड करते हैं हम लोग हाथ, अभी कोरोना की वजह से ऐसे नमस्ते करते हैं, शेक हैंड नहीं कर रहे हैं हम लोग। लेकिन शेक हैंड का मतलब सिंपल सा है, ये जो हमारा हाथ है लगभग 1.5 feet, और सामने वाला अगर शेक हैंड कर रहा है तो उसका 1.5 feet, ये दोनों का हाथ शेक हैंड हो रहा, यानी कि 3 feet rule। आपके मेरे 3 feet के दायरे में कोई भी अगर आ गया है, चाहे वो बस में सफर करते समय, चाहे वो ट्रेन में सफर करते समय, चाहे वो एरोप्लेन में सफर करते समय, चाहे ऑटो में सफर करते हुए, चाहे ऑटो रिक्शे पर, चाहे ई रिक्शे पर, चाहे चाय की दुकान पर, चाहे होटल में, चाहे आपका दूध वाला, चाहे आपका लॉन्ड्री वाला, चाहे आपका बार्बर, कोई भी जो आपके टच में आ रहा है, चाहे वो आपका डॉक्टर हो, चाहे आपका वो लॉयर हो, चाहे आपका फैमिली फिजिशियन हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो 3 feet के दायरे में आ गया है तो नेवर प्रीजज। आप प्रीजज नहीं करेंगे कि अरे ये बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट खाएगा या नहीं खाएगा, इसको बिजनेस में लाना या नहीं लाना, कभी ये प्रीजज नहीं करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, ईमानदारी से करना है, जिम्मेदारी से करना है, अपनी लिस्ट में उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर कहां रहता है वो लिखना। और वो जो विशेष का कॉलम है, अगर मान लीजिए फ्लाइट में मिला था, इलाहाबाद से जाते समय रायपुर की फ्लाइट थी, अगर वो मेरे को एयरपोर्ट पर मिला तो उस विशेष में मेंशन कर सकते हैं कि ये इस जगह से इस जगह तक जाने में इस तारीख को वो हमको मिला था, जिससे कि आप फ्यूचर में याद रहे। बातें क्या हुई थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, किस प्रोफेशन में है लिख सकते हैं, और ऐसा करके आप बहुत बड़ी लिस्ट तैयार कर सकते। ये लिस्ट जिस दिन आपकी रुक गई, उस दिन आपका बोनस रुक जाएगा, इनकम का ग्रोथ रुक जाएगा। इस बात को समझिएगा, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो लिस्ट हमेशा बढ़ाते रहिएगा। कहां कहां से और मदद मिल सकती है आज के समय में लिस्ट में आपको,
ये तो फिजिकल आसपास का मैंने दायरा आपको बताया, लेकिन आज सोशल मीडिया, सुबह से शाम तक हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल घनघना रहा है, घूम रहा है। 5 मिनट का भी समय अगर मिलता है तो फटाक से हम अपना व्हाट्सएप खोल लेते हैं, फेसबुक खोल लेते हैं। ऐसे तमाम सोशल मीडिया साइट्स हैं, आप देख पा रहे हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, स्काइप है, लिंक्डइन है, ऐसे ट्विटर्स हैं, सब 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 जो है आप यहां से मदद ले सकते हैं और मदद लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लिस्ट को और मजबूत कर सकते हैं। एक और जगह पर लोग लिस्ट बढ़ा सकते हैं। शुरू में मैं गलती करता था, लेकिन जब मेरे मेंटर, मेरे गुरु डॉक्टर बिप्लव भद्रा सर ने मुझे गाइड किया, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल नंबर पर कोई ऐसी कॉल आ जाती है जिसको आपसे कोई लेना देना नहीं होता है, वो किसी और को पूछ रहा होता है, और आप क्या करते हैं, जनरली रॉन्ग नंबर कह करके काट देते हैं या रख देते हैं। समझ पा रहे हैं बात? जनरली रॉन्ग नंबर कह के काट देते हैं, लेकिन मेरे गुरु डॉक्टर भद्रा सर ने सिखाया, नहीं, इसको मैच्योर कर सकते हैं आप। कैसे मैच्योर कर सकते हैं? उनसे थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन होकर के थोड़ा अच्छे से बात करिए, अपना परिचय दीजिए, उनका परिचय थोड़ा सा लीजिए और उनको थोड़ा सा कूल करिए। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अगर कॉल हमको कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम फ्यूचर में भी, हम भविष्य में भी एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। मान लीजिए किसी लेडीज का है तो क्या करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा क्या? हम फ्यूचर में भी कैसे रहेंगे संपर्क में भी? सीधा सा रास्ता खुला हुआ है दीदी बोल करके। दीदी, मान लीजिए आप महिला हैं, किसी पुरुष का है, अगर आपने ऐसा बोला कि हम फ्यूचर में भी संपर्क में रहेंगे, गलत हो सकता है, कुछ विचार गलत हो सकते हैं। सीधे आप बोलिए, भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी बहन हूं, हम लोग फ्यूचर में भी भविष्य में भी एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपके लिस्ट में उस दिन एक नया नाम बढ़ जाएगा और ऐसे अजनबी, ऐसे कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग को ब्रॉडकास्ट लिस्ट, आज व्हाट्सएप की तैयारियां हैं, व्हाट्सएप बहुत जबरदस्त हो गया, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में बनाइए और इनको हॉट कॉल में कन्वर्ट करिए, हॉट रिलेशनशिप में कन्वर्ट करिए। कैसे कन्वर्ट करना है? कभी इनको बर्थडे विश कर दीजिए, कभी इनको फेस्टिवल विश कर दीजिए, कभी कोई मोटिवेशनल मैसेज भेज दीजिए, कभी गुड मॉर्निंग कर दीजिए, कभी, डेली नहीं। बात को समझना है तो इस बात को अगर आप समझ सकते हैं तो आपकी लिस्ट इस तरीके से बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। अजनबी अभी भी इतने भरे पड़े हैं जो आपके बिजनेस में आने वाले हैं। अरे, जो लोग अपने पास लोगों की जो लिस्ट तैयार करके रखे हुए हैं, अगर गलती से कहीं भी आप प्रोस्पेक्टिंग करने गए हुए हैं, सौदा प्लान कर रहे हैं, आपको ना मिल रहा है, चेहरे पर सिकन नहीं लाइएगा, चेहरे पर उदासी मत लाइएगा। क्यों ना लाइएगा? क्योंकि आपके पास लिस्ट बहुत बड़ी है। जिसकी लिस्ट छोटी उसके साथ दिक्कत है, जिसकी लिस्ट बहुत बड़ी उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, माय डियर फ्रेंड। तो ये जो फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स है, ये ऐसे ही आपका बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। और इसमें बहुत मदद करता है 3 फिट रूल, दिमाग में रखा है या आ गई है, तो हम इसको आने वाले दिनों में 100 प्लान जरूर करेंगे, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जरूर देंगे, 3P जरूर बताएंगे। माय डियर फ्रेंड, ये दिमाग में रख, डायरी पर नोट कर देना,
और लिस्ट में उसको शामिल कर देना। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें मुझे जिन्होंने सिखाई, मेरे गुरु लोग श्री राम आशीष गुप्ता जी, श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव जी, इन लोगों ने मुझे पल पल पर ये सारी बातें सिखाई हैं, बताई हैं, जानकारी में लेकर के आए हैं। लेकिन क्या लिस्ट बनाने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है? नहीं, वहां से फिर अगले स्टेप्स में आपकी तैयारी शुरू होती है। जब आप लिस्ट बना रहे हैं उस दौरान आप सो द प्लान करने के लिए कभी भी अपने अपलाइन को फोन करके किसी को भी मत मिलवाइए। इसका एक सिस्टम है माय डियर फ्रेंड, बहुत सिंपल शब्दों में समझ लीजिएगा। आपने बिजनेस ज्वाइन किया, प्रोडक्ट लिया, परचेज करके यूज किया, अभी यूज करने के साथ साथ अब आपको लिस्ट बनाने की जरूरत है। और लिस्ट बनाने के साथ साथ एक बहुत जबरदस्त काम करने की जरूरत है, बहुत जरूरी काम करने की जरूरत है, वो है आपका नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ाना। अगर आप नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप इंफॉर्मेशन अपनी नहीं बढ़ाएंगे और तब आप जाकर के किसी को उस लिस्ट में से निकाल करके नाम अगर किसी को आप बिजनेस बताने लगेंगे, चूक हो जाएगी माय डियर फ्रेंड। मेरे मार्गदर्शकों ने, मेरे मार्ग प्रदर्शकों ने, मेरे गुरुओं ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया कि आप जब तक इंफॉर्मेशन अपनी नहीं बड़ी करेंगे कतई नहीं, किसी के पास मत जाइएगा सौदा प्लान करने के लिए। तो लिस्ट बना लीजिए, अपनी इंफॉर्मेशन बड़ी कर लीजिए, नॉलेज अच्छा रखिए। अब बारी आती है जो कि आज मेरा विषय नहीं है, अपॉइंटमेंट, फिर सौदा प्लान, फिर फॉलो अप, फिर बिजनेस में ज्वाइन कराना और प्रोडक्ट यूज कराना और आगे उनको ड्रीम अप करके लिस्ट बनवाना और जो काम आपने किया वही फिर आपको उनसे करवाना है। ये बात अच्छे से आपको समझनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड कि जितना इंपॉर्टेंट लिस्ट है बनाना, उससे कहीं ज्यादा अब और इंपॉर्टेंट रोल आपको अदा करना होगा, अपॉइंटमेंट लेना, सौदा प्लान करना, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। तो आज कच्चा माल क्या है, कैसे इस पर आप काम कर सकते हैं, कैसे ये मदद करता है, कैसे आपको आगे लेकर के जाएगा, अगर प्रोस्पेक्ट वास्तव में आप तलाशना चाहते हैं, वास्तव में आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो कभी भी किसी भी दिन अपने प्रोस्पेक्ट को तलाशने में रुकिएगा, कमी मत छोड़िएगा। वैसे ही जैसे ये 8 घंटे 10 घंटे कोई दूसरा व्यापार कर रहे हैं, कोई सिस्टम आपका, कहीं कुछ भी आप कर रहे हैं, आप यहां पर अगर आ गए हैं तो ईमानदारी से दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए पूरी जिम्मेदारी लीजिए और पूरी जिम्मेदारी लेकर के उनके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उनके साथ लग जाइए। और ये लिस्ट उन्हीं लोगों की है, ये प्रोस्पेक्ट हैं, ये संभावनाएं हैं आपके। तो सिर्फ ये आपकी संभावनाएं नहीं है, ये आपकी संभावनाएं तब बनेंगी जब आप इनकी संभावनाओं को पूरा करेंगे, यानी कि इनके सपनों को पूरा करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, मैं समय ज्यादा ना लेते हुए, क्योंकि ऑलरेडी शुरू में समय डिस्टर्ब हो गया, तो मैं यहीं पर विदा लेना चाहूंगा और एक बार सभी डीएक्सएन के मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके मदद से आज का ये विषय और ये स्लाइड मैं तैयार कर सका। और आप सबको आगे बढ़ने की ढेर शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर, गो मिलेनियर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
या बहुत बढ़िया मुकेश जी, आपने आज बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में बताया कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है इस व्यवसाय में, शुरुआत कैसे करनी है। यानी कि जैसे मैं सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है और हमारे ब्लड सेल को जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी हिसाब से एक डिस्ट्रीब्यूटर को इस व्यवसाय में कामयाब होने के लिए प्रोस्पेक्ट्स की जरूरत है, नए लोगों की जरूरत है, और नए लोगों की लिस्ट कितनी आसानी से बनाई जा सकती है। यानी कि आप अपने बचपन के मित्रों को ले लीजिए, आपके मित्र कौन कौन थे, उन मित्रों को जानने वाले कौन कौन थे, और उनके जानने वालों के आगे जानने वाले कौन कौन थे, या फिर किसी भी किरदार को ले लीजिए आप, किसी भी अपने रिश्तेदार को ले लीजिए, ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनके इनको जानने वाले कौन कौन लोग हैं, या फिर शादी की एल्बम ले लीजिए कोई भी, या किसी फंक्शन की एल्बम ले लीजिए। इसमें देखिए यार, ये इसमें इसमें देखिए कि ये जो नीले कोट के अंदर कोई एक व्यक्ति है, प्लेट में तो सारा खाना लेके खड़ा हुआ है, ये कौन व्यक्ति है। तो ये डिस्कशन एक जनरल अपने बच्चों के स्कूल में जब जाते हैं, पेरेंट्स मीटिंग होती है, वहाँ पे लोगों के साथ अपने नंबर आदान प्रदान करिए, शेयर करिए, हम फ्यूचर में टच में रहेंगे। जैसे मुकेश जी ने बताया कितना बेहतरीन तरीका, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम फ्यूचर में टच में भी रहेंगे। तो बच्चों के बारे में भी बात करिए, एज वेल एज साथ में उनके व्यवसाय के बारे में बात करिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करिए। तो वी नेवर नो कौन व्यक्ति संभावना की तलाश में है, कौन व्यक्ति चाहता है कि उसको संभावनाएं मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। एवरीवन इज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। यू नेवर नो कौन आपके साथ काम करके आगे तरक्की की सीढ़ियां हासिल कर सकता है, साथ साथ आपके साथ काम करके खुद को भी सफल बना सकता है और आपको भी आपको भी गौरवान्वित कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, किसी भी व्यवसाय को करने के लिए हमें थोड़े से बेसिक प्रिंसिपल पे ध्यान रखना पड़ता है, बेसिक बातों पे ध्यान रखना पड़ता है। जब हम शादी करते हैं, मतलब कोई शादी का कोई फंक्शन करते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, हम मेहमानों की लिस्ट बनाते हैं, किस किस को हमें कार्ड देना है, किस किस को नहीं देना है, एक लिस्ट बनाई जाती है ना। लेकिन ये लिस्ट बिल्कुल अलग होगी, इसके अंदर जो आपके दुश्मन भी होंगे ना, उनका भी नाम लिखना है, क्योंकि वो हो सकता है कि आपके साथ ना जुड़े लेकिन आपके किसी टीम के सदस्य के साथ जुड़े, या जिनको आप सोचते हैं ना ये काम नहीं करेगा, उनको सबसे पहले उस लिस्ट में लिखें कि आपको नहीं पता कि उस व्यक्ति को उस काम की कितनी आवश्यकता है और तो उस काम को करना चाहता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करूंगा मुकेश जी का, सो थैंक यू वेरी मच। कल दोस्तों हम फिर मिलेंगे ठीक 12 बजे एक नए स्पीकर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। कहीं जाइएगा नहीं, 12 बजे का टाइम आप फ्री रखिएगा और आपको फिर एक ट्रेनिंग का कल एक बेहतरीन मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।